पैरा नहीं लगाना मैं, हमारी यहाँ सेक्रेटरी मुसलमान की, अन्नी दोनों को भिड़ा के मार दूंगा एक मिनट में, चाहे जेल जाना पड़ जाएगी मुझे, समझ गए? समाचार है ये, मेरा भाई आदिल है, ये भी समाचार है, मैं उनसे की माफी मांगता हूँ, महिला भी और कानून सबके लिए बराबर है और भविष्य में कोई गलती नहीं होगी हमारे, क्षमा चाहते हैं। तो देखा आपने, हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते ये दोनों वही शख्स हैं जो खुद को मुस्लिम धर्म का ठेकेदार मानते फिरते थे। ये दोनों वही शख्स हैं जिन्होंने अपने एक और साथी के साथ बियर खरीदती, मुस्लिम महिलाओं का वीडियो बनाते उसकी गर्दन उतार लेने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस के हाथे चढ़ने के बाद गर्दन उतार लेने की धमकी देने वालों का क्या हाल है, एक बार उन्हीं दोनों से सुन लीजिए। मेरा नाम शाहिद है, मेरा नाम अनवार है, कल हमसे एक महिला की वीडियो बन गई जिसकी वजह से हम क्षमा चाहते हैं, कानून सबके एक समान है, सबके लिए एक समान है, कानून सब कानून से भी क्षमा चाहते हैं, ये मेरा भाई आदिल है, ये भी क्षमा चाहता है, माफी मांगता हूँ, महिला भी और कानून सबके लिए बराबर है और भविष्य में कोई गलती नहीं होगी हमारे। दरअसल सोमवार को सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर जनपद से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हुआ। वीडियो में बुर्का पहने दो महिलाएं बियर की दुकान पर बियर ले गई थी। इस दौरान आदिल साजिद और बाकू उर्फ शहनवाज नाम के तीन मुस्लिम युवकों ने महिलाओं के बियर लेने का वीडियो बनाया और दोनों पर इस्लाम का अपमान करने का इल्जाम लगाते हुए गर्दन उतारने की धमकी दे डाली। मुझे कुछ बात तो पता चले, मतलब क्या मजबूरी है, तो मतलब तुम शराब खरीदोगी का दुकान पे मार्केट के अंदर, और है नहीं बैग में है बियर ही है, तुम्हें मतलब सही नजर आ रही बियर है, पूरी बात ऐसा है नहीं, फरीदा करने से नहीं, मैं सब जानू ठीक है, नहीं पैरा नहीं लगा रहा मैं, हमारी यहाँ सेक्रेटरी मुसलमान की, अन्नी दोनों को भिड़ा के मार दूंगा एक मिनट में, चाहे जेल जाना पड़ जाएगी मुझे, समझ गई? मेरे को अगर पता होती है, सुनो गर्दन भी उतार लूंगा, बताओ जेल जान लिया इसी मामलों में, यार बिहार पड़ी दारू खरीद रही हूँ मार्केट में, मुसलमान में मेरे सामने बेइज्जती हो रही है, वहाँ हिंदुओं के सामने यार वहाँ खड़ी है बुरखे के सामने दारू इनके, उसमें वीडियो बना रखी इनकी तीन आदमियों ने, कहाँ क्यों आप, कहाँ क्यों आप, अर्थी भाई वहाँ शर्म हमारी मार्केट में जीना आराम हो गया हमारा, बियर खरीद रही वहाँ से दारू खरीद रही यार, खड़ी इससे खरीदवा रही बच्चे से, देखे वीडियो बनी हुई मेरे को सारी सारी वीडियो है इसकी, सारे पीछे लगे हुए हम सारे यहाँ क्यों नहीं, मतलब है हम मुसलमान नहीं है, तुम मुसलमान नहीं हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, हिंदू हो गया तुम हिंदू हो गया, मुसलमान हो, शराब क्यों रखी हराम नहीं हमारे मुसलमान, वहाँ पंजाबियों में सरदारों में बदनाम करवा रही है हमें, पूरी मार्केट देख रही है वहाँ शराब ले रही है, देख रही हूँ कोई बात नहीं, गर्दन तार लूंगा इस बात पे, चाहे जेल चला जाऊं। धमकी का वीडियो देखते ही मुजफ्फरनगर पुलिस एक्शन में आई और तीनों आरोपियों को हवालात में डाल महिलाओं का सम्मान और कानून सिखा दिया, जिसके बाद मुस्लिम धर्म के ठेकेदार बन रहे युवकों का क्या हाल हुआ आप सब ने देखा। वीडियो बनाने वाले अब महिला से माफी मांग रहे हैं और गर्दन उतारने की बात तो छोड़ो, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती न करने की कसम खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।